और ये देखिए इधर है बना हुआ ये स्तंभ, जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो बब्बर शेर। तो लो जी पहुंच गए हैं हाजीपुर में अपने घर में, और ये छत पे पीछे का हिस्सा है, आगे की तरफ रूम बने हुए हैं, ऊपर रूम बने हुए हैं, और यहाँ बिल्डिंग, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है एरिया पूरा। तो मज़ा आ रहा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, देखिए ऊपर बादल लगे हुए हैं, हल्की उमस है, बारिश होने के आसार हैं, हो जाएगी तो उमस वो ख़त्म हो जाएगी। अभी हम जाने वाले हैं वैशाली घूमने के लिए, आज है 26 जुलाई, कल पहुँचा था मैं हाजीपुर, और स्टेशन के बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं घर पे आ गया था और मैं और काम में बिज़ी हो गया था। मेन था आपको वैशाली घुमाना, तो वो अभी निकल रहे हैं, सुबह बारिश हो रही थी, थोड़ा लेट निकल रहे हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं वैशाली राइड पर। आप सामने देख रहे हैं इतनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, उत्तराखंड की नहीं है, ये है बिहार की, हाजीपुर की वैशाली रूट, और देखकर ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड में चल रहे हैं हम लोग, रामपुर साइड जा रहे हो या फिर नैनीताल साइड जा रहे हो, उस रूट पे इस तरह की ग्रीनरी मिलती है। मगर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रूट, सेम उस टाइप की रोड है, बिल्कुल वैसे ग्रीनरी, दोनों तरफ हरियाली और दूर दूर तक है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। तो मैं अभी आ गया हूँ वैशाली घूमने के लिए, और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ विश्व शांति स्तूप देखने के लिए, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, वो आपको दिखाते हुए जाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट, खिलौनों की मार्केट, पानीपुरी, गोलगप्पे, बच्चों के खिलौने मिल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। कितना विश्व शांति स्तूप, ये रहा एंट्रेंस। यहाँ देखिए कितने बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे पेड़ दोनों तरफ, आराम कर रहे हैं, तो बकरी के बच्चे भी आराम कर रहे हैं। ओ ये हम आ गए विश्व शांति स्तूप में, देखिए आप दोनों तरफ से शेरों की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से, ज़बरदस्त सीन है इस विश्व शांति स्तूप का, बहुत ऊंचाई तक बना हुआ है, बीच में बुद्ध की प्रतिमा है, और काफ़ी फेमस है वैशाली का ये विश्व शांति स्तूप, साथ में इसमें बुद्ध मंदिर भी है, बौद्ध टेम्पल, वहाँ भी जाएंगे अभी। चलिए ऊपर जाके देखते हैं, और यहाँ पे कृपया जूते चप्पल खोल दें, उतार के जाने हैं जूते चप्पल।
इस तरीके से बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, धर्म प्रचार। तो पूरा एक राउंड लगाते हैं इसका, फिर निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। और यहाँ पे और भी प्रतिमा बनी हुई है बुद्ध की। अच्छा, ये प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। और यहाँ से जो है आप दूर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है और हरियाली कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और एक प्रतिमा यहाँ बनी हुई है, देखिए जन्म के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये प्रतिमा खड़ी है और बाकी दो प्रतिमा जो है बैठी हुई है। ये सामने आप देख सकते हैं, सामने जो एक लाइन से पेड़ है ना, नारियल के पेड़ की तरह दिख रहे हैं, मगर एक्चुअली में ये है ताड़ के पेड़। यहाँ का फल होता है ताड़ का, एक अलग तरीके का। और यहाँ पे एक प्रतिमा और है निर्वाण। और यहाँ पे जो है बुद्ध की प्रतिमा जो है विश्राम करती हुई, विश्राम अवस्था में लेटी हुई इस तरीके से। चलिए आगे। तो इन चार तरह की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई हैं, दो बैठी हुई, एक खड़े में, एक लेटे में। चार तरह की प्रतिमा यहाँ पे विश्व शांति स्तूप में आपको मिल जाएगी देखने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया बनाई हुई है, बहुत बेहतरीन बनाई हुई है। और यहाँ से नज़ारा भी बहुत ब्यूटीफुल आएगा, ऊपर देखिए बहुत किस तरीके से ज़बरदस्त है, कहीं नीला आकाश है, धूप आ जाती है, धूप निकल जाती है, धूप हो जाती है और हरियाली बाहर की बहुत बेहतरीन। इंसान जो देख रहे हैं बाँस के पेड़ हैं यहाँ पे, सारे नीचे बाँस के पेड़ हैं, उधर ताड़ के पेड़ थे और पीछे बड़े बड़े पेड़ जो हैं, पीछे कितनी बढ़िया हरियाली बिखेर रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ विश्व शांति स्तूप के नीचे वाले पोर्शन में और आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे मैं अभी खड़ा था, यहाँ से मैं दिखाई थी ये वाली मूर्ति। तो अब मैं इसके नीचे वाले पोर्शन में आ गया हूँ और यहाँ से पूरा एक राउंड ले लेते हैं। और नीचे कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति सारी ऊपर ही है, नीचे बस आपको राउंड लगाने के लिए पूरा ऐसा बनाया हुआ है। तो राउंड लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से विजय स्तंभ देखने के लिए। तो ये दो जो है यहाँ पे विश्व शांति स्तूप और विजय स्तंभ, ये दो वैशाली में बहुत फेमस हैं और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये लेक थी पहले और ये भी देखो बिल्कुल सूखी पड़ी है। यहाँ पे पहले बोटिंग हुआ करती थी और जैसे बारिश अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें फिर पानी भर जाएगा और दोबारा से बोटिंग चालू हो जाएगी, मगर मुझे लगता नहीं कि इतना पानी इसमें भर पाएगा जिससे कि यहाँ पर बोटिंग हो सके। तो अभी तो बिल्कुल सूखा पड़ा है और जंगल से निकला हुआ देख सकते हैं आप, और हल्का फुल्का पानी बरसात का जमा हुआ है। चलिए चलते हैं विजय स्तंभ। तो जी आ गए हम अब विजय स्तंभ, जिसको मैं बार बार विजय स्तंभ बोला था, एक्चुअल में क्या है वो अशोक स्तंभ है उसका नाम। और ये देखो मार्केट में यहाँ पे अशोक स्तंभ की यहाँ बिक रहे हैं लकड़ी के बने हुए अशोक स्तंभ। इस तरह की पूरी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे अशोक स्तंभ कई कई साइजों के मिल रहे हैं। ये है टिकट घर। अच्छा,
तो अभी हमने एंटर कर लिया है अशोक स्तंभ की पूरी स्मारक के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ उस एरिया के पास जहाँ से अशोक स्तंभ आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्क के बीचों बीच जो है ये नीचे इस तरीके से पत्थर से बनाए गए हैं, ईंटों से बनाए गए हैं। यहाँ पे ये अलग अलग तरीके की कलाकृतियाँ दिख रही हैं आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ऊपर ये गोल सा जो बना रखा है, ये इसके पीछे बिल्कुल अशोक स्तंभ है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ले जाकर। और ये देखिए इधर है बना हुआ ये स्तंभ जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो बब्बर शेर। और ये है अपना अशोक स्तंभ इस स्मारक के अंदर। और पास से लेके दिखाता हूँ, पास से ले आकर। तो है ना ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। ये मैंने लिया इसको नीचे से और ये गया आलिशान अशोक स्तंभ वैशाली का बेहतरीन, सुपर ब्यूटीफुल। तो इस अशोक स्तंभ की और इस जगह की भी ये कहानी है। पुरातत्व विभाग के खुदाई के बाद जो है ये जगह जो है निकल के आई, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। और इस एरिया के आसपास का एरिया लेकर पूरा ये पार्क बना दिया गया, पूरा ये उद्यान बना दिया गया। और इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से, इस तरीके से देखो मेंटेन कर दिया। और जो मेरे सामने ये है, यही एक एरिया है जो कि इसमें सबसे बड़ा ये गोलाकार इस तरीके से बना हुआ है। और देखो छोटी छोटी इसमें ईंट, पूरा प्राचीन टाइम की इसमें जो है कारीगरी इस्तेमाल की गई है इसको बनाने में। ये जो पुरातत्व विभाग की खुदाई के बाद जो निकला है ये पूरा एरिया, और इसमें इतना बड़ा गुंबद अलग ही बिल्कुल बीच में है। ये मैं आपको पूरा एक बार गोल चक्कर मार के दिखा देता हूँ। और इसके बिल्कुल बैक साइड में अपोजिट में अशोक स्तंभ बना हुआ है। हालांकि बीच में बादल आ जा रहे हैं तो थोड़ा सा राहत मिल जा रही है, वरना उमस बहुत है, गर्मी बहुत है। इनमें जो है देखिए ऐसे इसके अंदर ये जगह छोड़ी हुई है, लगता है कि देवता की मूर्ति रखी गई होगी, यहाँ पे इसकी पूजा होती हुई होगी। देखो अंदर पूरा ब्लैक है और पूरे उसी तरीके से रखा है जैसे कि किसी देवता की मूर्ति रखी जाती है। और लोग अभी भी शायद यहाँ पे जो है यहाँ की पूजा करते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती के कुछ स्टिक्स जो देख सकते हैं आप यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए और मन्नत मांग के जाते हैं अपनी। और देखिए यहाँ पर और भी जगह ऐसा बना हुआ है, एक इधर ही बना हुआ है इस तरीके से। और यहाँ मोमबत्तियाँ कैंडल जलाई गई हैं लोगों के द्वारा, यहाँ अगरबत्ती जलाई गई है, मतलब लोग आते हैं अभी भी यहाँ पूजा करने के लिए। उनकी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी और पूजा होती थी यहाँ पे भगवान की, कुल देवता की। तो ऐसा आपको कई जगह मिल जाएगा इसमें, और भी जगह जगह मिल जाएगा इस तरीके से। कुछ ऊपर से टूट चुकी हैं बिल्कुल, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऊपर से टूट चुकी है। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी मूर्ति स्थापित थी। तो हमने अभी विश्व शांति स्तूप देख लिया था, अब हम आ गए थे यहाँ पे विजय स्तंभ मतलब अशोक स्तंभ देखने के लिए। और यहाँ पे हमने देख लिया, और अब हम यहाँ से जाएंगे दोबारा वापस अपने घर हाजीपुर के लिए, क्योंकि यहाँ की जितनी फेमस चीज़ थी वो यही दो चीज़ खासकर फेमस है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं इन दो चीज़ों को देखने के लिए केवल। और अगर आप नए साल के समय आएंगे यहाँ पे, मतलब 1 जनवरी या 31 दिसंबर, इन दोनों टाइम में यहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी आपको, इन दोनों जगह इतनी भीड़ मिलेगी आपको, गाड़ी तो आपको कम से कम 2 किलोमीटर पीछे खड़ी करके आनी पड़ेगी और पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज जो मैंने आपको दिखाया कि रोड बिल्कुल खाली थी, और 31 दिसंबर 1 जनवरी में अगर यहाँ पर आएँगे ना नए साल के टाइम में, तो वही रोड ऐसी रहेगी मतलब पूरा भिंडी बाजार जिससे कहते हैं, इतनी भयंकर भीड़ मिलेगी आपको, पैर रखने जगह नहीं मिलती है, इतना पब्लिक होती है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट करने आते हैं नए साल को। तो यही कहानी है वैशाली की, जिसको मैं देखने के लिए आया गाज़ियाबाद से। और एक्चुअली मेरे रिलेटिव यहाँ पे रहते थे हाजीपुर में, तो मेरे लिए आसान रहा कि मैं इसको आराम से एक्सप्लोर कर सकूँ।
और इसी के साथ वैशाली का यह सफ़र मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो के ज़रिए, एक नए टूर पर, एक नई ट्रिप पर, एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।